It's good. So I have my Vietnamese Renny here for the night or stay. And I'm making a try our Indian tea with a lot of kara lemon, elaichi or kara lemon, fennel seeds. सौफ इलायची वाली चाय बनाई है. आई मेड आलू वाली टोस्ट. मैंने आलू के परांठे बनाए थे, आलू का पेस्ट बच गया था, तो मैंने बस उसी बॉइल्ड आलू में कैप्सिकम्स में और चीज़ क्या क्या भर दिया, अपने कॉम्बिनेशंस बना दिए ब्रेड के अंदर डाल के, तवे पे सेक दिया टोस्टर. या है नहीं. सो यू लाइक द टी? यस. ओके. या यू आर फीलिंग पेन इन योर थ्रोट, राइट? यस. डू यू फ्रॉस्ट योर टी? ओके, फ्रॉस्ट. आई माइट हैव टू राइट इट एट होम. सॉरी. I might have to try this at home. Oh, good. It's good. Yeah. So these people are basically non-vegetarians, but yeah, I'm making her try all the vegetarian things. It's okay. It's okay to have vegetarian sometimes. Mm-hmm. No, I have vegetarian food at home sometimes, but not always. You should try different fillings, like maybe some cheese, some potatoes, some other vegetables with mixed with mayonnaise. यार यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं. बाय. हाउ इंटेलिजेंट ही इज, राइट? सो ही इज शिफ्टिंग एंड आई बी लिविंग देयर अलोन. एंड व्हाट इफ ऑल द स्पाइडर्स एंड कॉकरोचेस कम, हु इज गोना थ्रो देम? मीरा. ही विल नॉट बी देयर. हे टोबी, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट विद मी? व्हाट विल यू मिस द मोस्ट? से नथिंग. से. सो शी सेड दैट आई शुड से that it's really funny with her in the rooms, and you get to do all sorts of things like throwing out some insects that are not even harmful. But she's too afraid to go near them anyway. भाई यहाँ पे भी इतने बड़े-बड़े bugs, cockroaches जैसी चीजें आ जाती हैं. फिर मैं कहा मैं उसे उठा के फेंकूँगी. Then I asked him for help to throw all these things out. Now he's going. I don't know who will I ask. एक तो जर्मनी आ रहे हो तो हेयर ऑयल लेके आना. ये बताना था मैंने ये लिया यहाँ से. पता नहीं क्या लिखा है, बस हेयर ऑयल है इतना पता है. बहुत मुश्किल से एक ही मिला है. यहाँ हेयर ऑयल नहीं मिलती है. मैंने एक जर्मन लड़की से पूछा, विच इज़ इन द सेम सेक्शन इन द सुपर मार्केट, आप लोग तेल नहीं लगाते? लाइक इंग्लिश हैंड जर्मन पूछा, तो लाइक नो, लाइक आई जस्ट वॉन्ट कोकोनट ऑयल में भी कुकिंग नो फॉर हेयर. नो. मुश्किल से एक ही मिला, ले लिया. तो आ रहे हो तो यार कोई भी सरसों का नारियल का कोई तो तेल लेके आना. सो आई जस्ट ऑयल माई हेयर. इट्स संडे. टुडे इज 15th of October. आज रात को 12 बजे मेरा बर्थडे है. एंड पहली बार, नॉट एट ऑल एक्साइटेड, पहली बार बिकॉज आई एम अवे फ्रॉम एवरी वन एंड एवरी थिंग. सी, हर बार आई नो एंड आई रियलाइज, मतलब हर बार मैं अपने पेरेंट्स से दूर होती थी पिछले कुछ सालों में बर्थडे पे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ट्रिप पे चली जाती थी. कभी हाँ जंप करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है, ये सब कुछ होती चली जाती थी किसी ना किसी दोस्तों के साथ, कहीं ना कहीं होती थी ट्रिप पे. इस बारी कोई ट्रिप नहीं प्लान करी, क्योंकि मैं अपनी, मेरे को तो अभी तक लग रहा है कि मैं ट्रिप पे ही हूँ, क्योंकि जर्मनी आए 15 दिन ही हुए हैं. 1st October आई कंसिडर 15 days इट इज, एंड आई एम कंसिडरिंग दिस एज ट्रिप, क्योंकि हर दिन लगता है कि हाँ अभी एक दिन आएगा जब मैं घर जाऊँगी. आई डोंट नो ये फीलिंग कब तक रहेगी घर जाने वाली, कि हाँ मेरी ट्रिप चल रही है, लेट मी इन्जॉय, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करती हूँ, घूमती हूँ, अभी घर जाना है. मेरे को ये पता नहीं कब डाइजेस्ट होगा कि यही मेरा घर है, ये मेरा घर है, घर जाना मतलब यहाँ आना है. दैट्स नॉट माई होम इन डेली एनी मोर, एंड इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग. Although pats on my back कि मेरे को अब तक बिल्कुल बहुत अच्छे से संभाल रखा है मैंने सब कुछ, managing every day, not crying and just taking one day at a time. सबके लिए सेम नहीं होगा, पहले बता रही हूँ. इट्स नॉट एज सेम एज मी, बिकॉज आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरा बर्थडे आज क्यों है, मतलब रात को क्यों है. आई एम ऑल अलोन. मुझे इतनी जल्दी बर्थडे नहीं चाहिए था, बिकॉज राइट नाउ लाइक आई हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी, बट नॉट एज क्लोज कि मैं उनको इन्वाइट करूँ या उनके साथ बाहर जाके पार्टी करूँ. आई एम नॉट इन दैट फील कि मैं जिन लोगों से अभी 2-3 बारी मिली उनके साथ बाहर जाऊँ. इट्स सो वियर्ड. एंड टुडे इट्स जस्ट मोर वियर्ड बिकॉज इट्स संडे, एंड संडे यहाँ पे सब कुछ क्लोज होता है, विच इज़ लाइक वेरी उल्टा टू व्हाट इट इज़ लाइक इन इंडिया. इंडिया में सब अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ संडेज को प्लान बनाते हैं, कैफे जाते हैं, क्लब जाते हैं, घूमते फिरते हैं. यहाँ संडेज आर लाइक जस्ट सो डल. संडेज आर मेंट फॉर रेस्टिंग हेयर. एंड ग्रोसरी शॉप से लेके सब कुछ सब बंद है, मतलब डेड सिटी है पूरी. तो सब बस एवरीबडी सपोज टू स्टे होम. व्हाट अबाउट द पीपल हु आर अलोन? जस्ट स्टे होम एंड डू योर कोर्स चोर्स व्हाटएवर. कितना बर्तन धोऊं, कितने कपड़े धोऊं, कितने मैं खाने बना के खाऊं. इट जस्ट हिट्स यू एट डेज लाइक दीज व्हेन यू आर नॉट मेकिंग एनी प्लान्स टू गो आउट बट यू आर जस्ट एट होम. एंड इट हिट्स यू मोर व्हेन इट्स अ बर्थडे कि भाई क्या विल आई बी रियली डूइंग नथिंग. आई होप कि मैं कल सुबह जब उठूँ, कल मेरा बर्थडे है तो मैं थोड़ी मोटिवेटेड हूँ कुछ करने के लिए. लाइक
Munich is like 30-40 minutes away. I plan to go to a mandir or gurdwara. कि भाई ethnic suit लाएंगे पहन के वहाँ जाऊँगी. Maybe किसी Indian restaurant पे खाऊँगी. कुछ ना कुछ तो करूँगी. I'll just figure out. But या तेल की बात बतानी थी और संडेज आर वेरी डेडली और वेरी ये कल्चरल टॉक्स में एक ये पॉइंट भी ऐड कर लेना कि ऐसा भी होगा अजीब सा है. ओनली थिंग दैट्स मेकिंग मी स्माइल इज लुकिंग आउटसाइड द विंडो बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल अदरवाइज इट्स आई डोंट नो इट्स ऑन यू हाउ यू मेक योर डे मेक योर टाइम एंड हाउ यू मेक यू फील अबाउट इट. राइट नाउ मैंने अब तक बहुत अच्छे से किया. आज पहला दिन है क्योंकि मेरा कल बर्थडे है. बस इसीलिए यही पहला दिन है कि मैं डाउन फील कर रही हूँ कि क्यों हूँ मैं सब चीज़ों से हर दोस्तों से हर चीज़ से दूर कि मैं कुछ आई डोंट नो इफ आई इवन व्लॉग ऑन माय बर्थडे व्हाट विल आई ओके बाय. सो गाइस आज है अष्टमी तो पहली बार मैंने अपने किचन में कुछ सब्जी टाइप बनाई है. आलू की सब्जी के साथ पूरी हलवा तो नहीं बनाया जितना हो पाया उतना कर लिया एंड इसका लगाने जा रहे हैं हम भोग. ये रहा मेरा मंदिर मेरा क्यूट सा मंदिर ज़्यादा जज मत करना गाइस. और ये चलिए थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगाएंगे और फिर खुद की ही पेट पूजा करेंगे. ओके ओके जो भी हो यम्मी तो बहुत ज़्यादा बना. वाइन को गर्म करके देते हैं एंड बहुत ही बढ़िया माहौल है. फ्राइडे शाम थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. स्टे ट्यून्ड टू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट.